यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शिकारपुर पुलिस चौकी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के बाद आयोजित हुआ भंडारा। सीओ सदर सरायखावाजा थाना प्रभारी समेत अनेक अधिकारियों ने ग्रहण किया प्रसाद। जौनपुर 27 अक्टूबर 2022 सरायखावाजा थाना क्षेत्र के शिकारपुर पुलिस चौकी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के बाद बुधवार को भंडारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौकी प्रभारी गोविंद देव मिश्रा की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम में चौकी क्षेत्र के विभिन्न गांवों के श्रद्धालुओं के साथ साथ अनेक पुलिस अधिकारियों ने सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने वालों में सीओ सदर संत प्रसाद उपाध्याय, सरायखावाजा थाना के प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शुक्ला, यही के अपराध मामले के निरीक्षक आर के शुक्ला, लाइन बाजार थाना प्रभारी सुधीर गुप्ता, सिपाह के चौकी प्रभारी अरविंद यादव, सीओ सदर के पेशकार ओम प्रकाश यादव, राजकुमार यादव, देवेंद्र सिंह पप्पू, शिवेंद्र पाठक एडवोकेट, दादा एडवोकेट, हेड कांस्टेबल मनीष सिंह, धुरेंद्र राय, देवेंद्र यादव सहित पूर्वांचल विवि के प्रवक्तागण अश्विनी सिंह, अरविंद सिंह आदि भारी संख्या में नागरिक रहे। मालूम हो कि शिकारपुर पुलिस चौकी परिसर में दो दिन पहले हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई, जिस मौके पर सुंदरकांड पाठ कराया गया। सब कुछ यजमान चौकी प्रभारी गोविंद देव मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। चौकी परिसर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना से पुलिस कर्मियों सहित स्थानीय नागरिकों ने प्रसन्नता है। जौनपुर से पंकज राय की खास रिपोर्ट। आइए एक फोटो सर के साथ हमारी भी चाहिए भाई साहब जी, सर लोगों के साथ हनुमान जी भी आ जाए सर, एक बार सर थोड़ा सा आ जाए, एक हमारे लिए भी सर दर्शन कर लीजिए, दर्शन लेते।